आप प्रतिमा का रुख कर लेते हैं, पुणे से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रतिमा, जहां आप हैं वहां तो सियासत की भी गर्मी और मौसम की भी गर्मी जोरों पर है। बिल्कुल शरीन, मौसम की बात करें तो आज कुछ हद तक पुणे वासियों को राहत जरूर मिली है, क्योंकि 37 डिग्री ही तापमान है और कुछ हल्की हवाएं चल रही हैं, जिससे लोगों को कुछ राहत की सांस लेने का मौका मिला है। लेकिन सियासी पारा बिल्कुल हाई है, जैसा कि आपने कहा, क्योंकि ये वही पुणे है जहां से आज सुबह तस्वीरें देखने को मिली थी, जब राज ठाकरे पूरे तामझाम के साथ मुंबई से यहां पहुंचे और यहां पर उनके तमाम समर्थकों ने उनका भव्य स्वागत किया, उनका राजतिलक किया और फिर यही पुणे से वो रवाना हो गए औरंगाबाद के लिए। तो पुणे में भी आज सियासी पारा इसलिए हाई है क्योंकि आज महाविकास अघाड़ी की एक रैली यहां पर होने वाली है। हालांकि यहां पर कोई बहुत बड़ा नेता पहुंचने वाला है ऐसी कोई खबर अब तक नहीं मिली है, लेकिन यह भी जाहिर है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई है, इस रैली में जो भी पहुंचेगा वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर करेगा जिसके बाद वार पलटवार का दौर शुरू हो जाएगा। तो जहां तक पुणे की बात है, यहां पर जो सुबह तस्वीरें देखी वो इसी बात की बानगी थी, जैसा कि मेरे सहयोगी जितेंद्र कह रहे थे शिरीन, कि कभी मराठी मानुष की राजनीति करने वाले राज ठाकरे को जब वो राजनीति समझ में नहीं आए तो वह हिंदुत्व की राजनीति के पोस्टर बॉय बनने के लिए निकल चुके हैं और वो तमाम पोस्टर्स में भी देखा जा सकता है। हालांकि हम चूंकि एयरपोर्ट से बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, ऐसे में आपको कम पोस्टर्स दिखाई देंगे, लेकिन कहा जा रहा है जितना अंदर आप जाते जाएंगे, तमाम वो जो चौक यहाँ पर पड़ते हैं जो कि दफ्तरों की ओर जाते हैं, वहां पर आपको राज ठाकरे के बड़े बड़े पोस्टर्स दिखाई देंगे, उनके स्वागत के लिए बड़े बड़े झंडे लगाए गए थे यहाँ पर और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें पूरे पुणे में दिखाई दे रही थी। फिलहाल अगर मैं बात करूँ तो कुल मिलाकर पुणे में आज महाविकास अघाड़ी जो रैली होने वाली है उस पर भी निगाहें रहेंगी, भले ही उसमें कोई बड़ा नेता ना शामिल हो रहा हो, लेकिन क्या कुछ कहा जाता है उस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि कल गरजने वाले हैं राज ठाकरे औरंगाबाद में। भले ही उन्हें शर्तों के साथ इजाजत दी गई हो कि भाई वो कोई भड़काऊ भाषण ना दें, लेकिन ये हर कोई जानता है शिरीन कि राज ठाकरे मुंह खोलेंगे तो कुछ ना कुछ विवादित जरूर बोलेंगे। जाहिर तौर पर राज ठाकरे अब क्या बोलते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह के तल्ख तेवर वो दिखा चुके हैं सरकार के खिलाफ और अब औरंगाबाद में, क्योंकि वो पहुंच भी चुके हैं और कल का दिन महत्वपूर्ण इस लिहाज से हो जाता है कि कल एक बड़ी रैली होने जा रही है। एक बार फिर से मैं रौनक का रुख कर लेती हूँ, राज ठाकरे पहुंच चुके हैं। रौनक, अब ये भी बताइएगा कि आप बता रहे थे कि इंतजाम भी बहुत चाक चौबंद वहां पर किए गए हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर जैसा प्रतिमा कह रही थी कि राज ठाकरे जब कुछ बोलेंगे तो मुमकिन है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर बोलेंगे जो किसी ना किसी विवाद को जन्म देगा, तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था, इसे लेकर क्या तैयारियां हैं? आज निश्चित तौर पर इस बात का को भी अंदेशा है और इसी वजह जो रैली को शिरीन इजाजत दी गई है वो कुछ शर्तों के साथ दी गई है। पहले ही राज ठाकरे उनके कार्यकर्ताओं को नोटिस जो है वो पुलिस की तरफ से दिया जा चुका है, जिसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि मुख्य तौर पर आप कोई भी भाषण के दौरान ऐसा भड़काऊ बयान ना दे जिसकी वजह से दो समाजों के बीच में लड़ाई जैसी स्थिति पैदा हो जाए। औरंगाबाद की मैं आपको बताऊँ, जिस जगह पर यह सभा हो रही है यहाँ से MIM के सांसद है, अब तक यहाँ पर भले ही शिवसेना का दबदबा रहा हो लेकिन पिछले 2019 के चुनाव में यहाँ पर MIM के सांसद इम्तियाज जलील जीत के आए और तभी से यहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच में जो है वो तनाव अक्सर देखा जाता है और यही वजह है कि राज ठाकरे जब यहां पर आकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मुद्दे को लेकर अल्टीमेटम के पहले अगर रैली कर रहे हैं तो इस इलाके में माहौल बिगड़ सकता है, जिसे देखते हुए औरंगाबाद पुलिस ने रैपिड एक्शन फोर्स के 3000 जवानों को यहां पर बुलाया हुआ और कुल मिलाकर सभी तरह की जो इंतजाम है वो यहां पर करे हुए और मुख्य तौर पर कार्यकर्ताओं से भी MNS से दरखास्त की जा रही है कि वह ऐसा कोई भी कृत्य ना करे जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ जाए। ABP News आपको रखे आगे।